ड्राइवर कहाँ रह गया? बुलाओ ड्राइवर को, जल्दी बोलो। सॉरी मालिक, कहाँ जाना मालिक? तुम्हें पता नहीं क्योंकि ये कहाँ जाते हैं आज रविवार के दिन? ले चलो जल्दी से मुझे पोखर। अरे तेज प्रताप, अब जब भोला चाहे दिन रात हुई, अभी शहर में हमार राज हुई। मुंगेर में हथियारों का इतिहास मीर कासिम के समय से चला आ रहा है, जहां वैध हथियार निर्माण होते होते एक हिस्सा वैध और दूसरी तरफ अवैध हथियार निर्माण में तब्दील हो गया। मुंगेर जो है वो हथियारों के असेंबल और फिनिशिंग का अड्डा बन गया है। बंगाल के अलावा एमपी के जबलपुर से ट्रेन और गंगा नदी के माध्यम से AK-47 से लेकर पिस्टल तक के पार्ट्स स्मगलिंग करके मुंगेर लाया जाता है, उसे असेंबल करके अपराधियों और नक्सलियों को सप्लाई किया जाता है। मुंगेर देश ही नहीं विदेशों में भी अवैध हथियारों के लिए चर्चित है। इसकी चर्चा तब और अधिक हो जाती है जब देश के किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा हो या लोकसभा का चुनाव हो रहा हो। बिहार के मुंगेर के ही एक छोटे गांव के मुखिया का बेटा तेज प्रताप अपने बाप के व्यापार और वर्चस्व को बढ़ाने में लगा। मुखिया के बेटा का तो 1-1.5 हज़ार बाकी है। आ रहा माने तो तुम लेंगे ठीक है? कहिए यहीं बैठो ना। ठीक बॉन्डलेस बनेगा ना? तो बंटी भैया बना नहीं इतना देर? हाँ बना रहे हैं। इतना देर में मुर्गी बच्चा दे देता है क्या? तुम छोड़ गए तो प्याज जल्दी निकाल। बाबू जी से
अरे मोबाइल वा कहाँ बज रहा है? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? कौन कब्जा कर लिया? उसको पता नहीं है तुम मुखिया का आदमी है? नहीं संभाला जा रहा है तो कूच दो बहनचोद को। किसका कॉल था बाबूजी? इस साला जो हनीमा वान वाला जमीनवा है, हाँ? उसको कब्जा कर लिया है। कौन कब्जा किया है बोलिए ना, अभी उद्घाटन कर देंगे, नया नया आया है। तुम चूतिया हो क्या? क्या हुआ बाबूजी? इलेक्शन इलेक्शन का तुमको कोई फिक्र नहीं है? अरे क्या नया माल लेके आए हो? 47 है बाबूजी, मुंगेर में इसी का तो अभी चलन है पूरा। देखिए एक बार परख लीजिए आप भी। माल तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन इसके लिए एक भरोसेमंद लौंडा भी चाहिए। अपना नाम मत घिना लेना तुम इसमें। नहीं बाबूजी, अपना नाम कैसे घिनाएंगे, इसके लिए मेरा दोस्त काम करेगा, आप तो जानवे कहते हो उसको। क्या नाम है लौंडा का? आदित्यवा। जात का है उसका? जात मुसहर है। साला इलेक्शन आ रहा है, तुम मुसहर लोग के साथ घूम रहे हो, लक्षणवा ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा। अरे बाबूजी, लक्षण आप बोलते हैं, बिहार आचाना है हमको, हमको तो बस इससे व्यापार करवाना है। और ये भी बात याद रखिए, वो लोग छोड़ जातिया लोग, अगर उसको हम काम करवाएंगे, हम लोग के पीछे पीछे रहेगा, 20% वोट वो आएगा, छुट जाती है लोग से पूरा वोट हम लोग को मिल जाएगा, किसी के पास दूसरा नहीं जाएगा। लौंडा मेरा सयाना हो गया है, बुलाओ उसको, देखे कितना गाड़ में दम है। रुके बाबूजी, बुलाते एक मिनट।